नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल ट्रांसफर के संबंध में कि एचआरएमएस पर आप किस तरीके से म्यूचुअल ट्रांसफर का एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। और दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित कौन कौन सी बातें आपको याद में रखनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। साथ में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, तो वो बोनस टिप को भी आपको जरूर से देखना है। और गाइस आप भी मुझे बोनस दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप एचआरएमएस पर किस तरीके से ऑनलाइन म्यूचुअल ट्रांसफर का एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे और आपको कौन कौन सी परेशानियां आ रही है और उनका क्या क्या सॉल्यूशन है, उन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोरबल टेक पर। तो गाइस आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल वाला आइकन है उसको भी जरूर दबाइए। तो गाइस सबसे पहले हम सीखेंगे कि आप एचआरएमएस पर म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन किस तरीके से सबमिट करोगे, उसकी क्या प्रोसेस है, एचआरएमएस के द्वारा ये कैसे कैसे होगा। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित कौन कौन सी बातें याद में रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस सबसे पहले आपको एचआरएमएस पर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको इस IRHRMS ESS वाले बटन पे जाना है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, इस वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट का। इस म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सप्रेस इंटरेस्ट ऑब्लिक सर्च प्रोस्पेक्ट की म्यूचुअल ट्रांसफर, इसके बारे में मैं आपको सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा कि आप म्यूचुअल ट्रांसफर किस तरीके से फाइंड कर सकते हो एचआरएमएस पर। उसके बाद आता है यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन। इस न्यू एप्लीकेशन पे जाके हम अपना फॉर्म फिल करेंगे और यहाँ पे आता है रिसीव एप्लीकेशन, यानी कि आपका कोई भी जो म्यूचुअल जिससे आप कर रहे हो उसने अगर पहले फॉर्म भर दिया तो उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी और आप उसको यहाँ से भर पाओगे। ठीक है गाइस, और आपने पहले कौन कौन से ट्रांसफर लिए उन सबकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम जाते हैं न्यू एप्लीकेशन पर, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय वन की डिटेल है और यहाँ पे एम्प्लॉय टू की डिटेल है। एम्प्लॉय वन का मतलब है कि आपकी डिटेल और एम्प्लॉय टू का मतलब है कि जो भी आपका म्यूचुअल पार्टनर है उसकी डिटेल। तो गाइज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप जिसके भी साथ म्यूचुअल ट्रांसफर ले रहे हो तो वो म्यूचुअल ट्रांसफर की सारी कंडीशन फुलफिल करता है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो गाइज आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जिसके भी साथ आप म्यूचुअल लगा रहे हो तो वो जो भी म्यूचुअल की कंडीशन है वो सारी फुलफिल करे, जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी आईडी दिख जाएगी, नाम दिख जाएगा, यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। ये दोनों आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है और इसका साइज 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन को आप एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये जो ग्रे कलर का कॉलम आ रहा है इसको आप फिल नहीं कर पाओगे, ये बाय डिफॉल्ट एसआरएमएस में जो आपका डाटा भरा हुआ है उसी को उठाता है। तो इस डाटा में अगर कोई भी करेक्शन है तो आपको अपने डीलिंग क्लर्क से जाके मिलना होगा और वहां से ये डाटा को सही करवाना होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आता है स्टाफ ऑब्लिक टिकट नंबर। तो दोस्तों कई जगह जैसे वर्कशॉप वगैरह में टिकट नंबर होता है स्टाफ का, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैक भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपका जोन रहेगा, डिवीजन रहेगा और आप किस जगह पर काम कर रहे हो वो रहेगा, किस ऑफिस में काम कर रहे हो, किस डिपार्टमेंट में कर रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट भरा हुआ आएगा। अगर इसमें कुछ भी कमी है तो डीसी से संपर्क करना है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट डेजिग्नेशन आ जाएगा, प्रेजेंट पे लेवल क्या है, आपका बेसिक क्या है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेट ऑफ रेगुलर प्रिपरेशन टू द ग्रेड इफ प्रमोटेड। अगर आपका प्रमोशन हो गया है तो आपका जिस भी पे लेवल में प्रमोशन हुआ है उसका रेगुलर प्रमोशन कब हुआ है उसकी डेट आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे मेरा प्रमोशन 10/8/2018 को हुआ तो मैं वो वाली डेट यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पे आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट कब हुआ था वो आपकी वो आ जाएगा, उसके बाद किस मोड से आप भर्ती हुए थे वो आ जाएगा, और इनिशियल में आप किस पद पर भर्ती हुए थे वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, इनिशियल ग्रेड पे क्या था आपका वो भी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि आपका ये जो पोस्ट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट है ये ब्लैंक दिखा रहा होगा, मेरा भी पहले ब्लैंक दिखा रहा था तो बाद में मैंने इसे सही किया और वो किस तरीके से सही होगा ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा।
इसके लिए आपको डीलिंग क्लर्क से संपर्क करना होगा और डीलिंग क्लर्क से बात करिएगा कि भाई मेरा जो इनिशियल अपॉइंटमेंट में जो इनिशियल डेजिग्नेशन था उसको अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ कंफर्मेशन होगा कि आपका जब शुरू में भर्ती हुए तो आप कंफर्म कब हुए। अगर कई बार क्या होता है कि जो कंपलसरी ट्रेनिंग जिनमें होती है तो उनमें कंफर्मेशन होता है, तो वो डेट आपको यहाँ पे डालनी होगी। अदरवाइज आपका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और आपकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं है तो आपको यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो वाली डेट ही आपको डाल देनी है। तो जैसे मैंने ये वाली मेरी डेट ही डाल दी। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपेलिंग रीजन फॉर दी म्यूचुअल ट्रांसफर, तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफर क्यों चाह रहे हैं, आपकी कौन सी समस्या है जिसके लिए आप म्यूचुअल ट्रांसफर चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये आपकी हर किसी की अलग अलग समस्या हो सकती है, आप क्यों चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे आपको भरना है। और यहाँ पे वेदर अवेल्ड IDT, IRT, IDMT, IRMT अर्लियर इफ यस गिव पार्टिकुलर, यानी कि आपने इससे पहले कभी म्यूचुअल ट्रांसफर या इंटर रेलवे ट्रांसफर या इंटर डिविजन ट्रांसफर जो भी कुछ ट्रांसफर लिया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपने सुपरवाइजर का नाम डालना है। आपका सुपरवाइजर कौन होगा? जो भी आपका जस्ट इंचार्ज है वो आपका सुपरवाइजर है, तो आपको जस्ट आपके सुपरवाइजर का नाम डालना है। तो आपके सुपरवाइजर के नाम यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, उसकी HRMS ID, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन। तो ध्यान रखना है कि सही सुपरवाइजर आपको चूज करना है, किसी गलत आदमी को यहाँ पे चूज नहीं कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सुपरवाइजर को चूज कर लिया। उसके बाद आपको ऊपर आना है और यहाँ पे आपको सेकेंड एम्प्लॉय जिसके साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले रहे हैं उसकी HRMS ID आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है दोस्तों कि आपको दूसरे एम्प्लॉय की आईडी कैपिटल लेटर में ही डालनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने किसी एम्प्लॉय की आईडी डाल दी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में डाली है, आपको स्मॉल में नहीं डालनी है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो उसकी डिटेल आ जाएगी। और दोस्तों सेकेंड एम्प्लॉय की डिटेल में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसकी डिटेल में परिवर्तन उसकी रेलवे से ही होगा, ठीक है? उसकी यूनिट या उसकी रेलवे जहां भी वो काम करता है वहीं के वो डीलिंग क्लर्क उसका चेंज कर सकता है। तो गाइस जब भी आप एप्लीकेशन भरो तो ये ध्यान में रखना है कि दोनों एम्प्लॉय की डिटेल एकदम करेक्ट है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इस पे क्लिक करना है, ये वाला जो चेक बॉक्स है इस पे आपको डिक्लेरेशन क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सबमिट बटन हाईलाइट हो जाएगा, जैसे मैं इसको अनटिक करूँ तो देखिए ये हाइड हो गया। तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी रिमार्क लिखना है वो रिमार्क लिख सकते हैं कि आप म्यूचुअल ट्रांसफर क्यों चाह रहे हैं, ठीक है? और जो भी आपका एनी रिमार्क कुछ भी आप यहाँ पे लिख के और इसको इस सबमिट बटन पे जाके आपको सबमिट कर देना है, ये वाला आपका सबमिट बटन है, ठीक है? अगर आपने कोई डिटेल गलत भर दी है तो यहाँ से आप इसे रिसेट भी कर सकते हैं और दोबारा से एप्लीकेशन भर सकते हैं। पर ध्यान रखिए सबमिट होने के बाद ये एप्लीकेशन आपका दोबारा से विड्रा नहीं होगा। और जब आप सबमिट करेंगे तो आप कंफर्मेशन के लिए आपके पास एक ट्रांजेक्शन OTP आएगा, आप उसे डाल के अपना ये एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। तो गाइस ये तो हुई कि आप म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे सबमिट करेंगे। अब मान लीजिए आपके किसी दूसरे पार्टनर ने एप्लीकेशन पहले सबमिट कर दिया है तो वो आपको कहाँ दिखेगा? तो वो आपको जस्ट इस म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे जाना है और यहाँ पे ये जो रिसीव एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको वो रिक्वेस्ट आ जाएगी। जो भी आपके पार्टनर ने अगर पहले एप्लीकेशन म्यूचुअल का भर दिया है तो वो रिक्वेस्ट आपको इस जगह पर दिखाई देगी और यहाँ पे क्लिक करके वो आप यहाँ से एप्लीकेशन भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि आपका जो डीलिंग क्लर्क है वो इनिशियल डेजिग्नेशन को कैसे करेक्ट करेगा। तो आपको डीलिंग क्लर्क से जाके बोलना है कि मेरा जो इनिशियल डेजिग्नेशन था उसको भर दीजिए। तो उसके लिए वो ESR में जाएगा और ESR में ESR एंट्री पे जाएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी डालेगा, गो करेगा, उसके बाद उसकी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे ये इनिशियल अपॉइंटमेंट वाला टैब है इस पे आएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनिशियल डेजिग्नेशन का। ये वाला डेजिग्नेशन या तो आपका भरा नहीं होगा या भरा होगा तो आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको इसे फिर से दोबारा से भरवाना है और इसे सबमिट करवा के एक्सेप्ट करवाना है, तब जाके आपका वहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर में इनिशियल डेजिग्नेशन दिखने लग जाएगा। तो जो भी डीलिंग क्लर्क है वो अगर कोई एम्प्लॉय की इस तरीके की समस्या आती है इनिशियल डेजिग्नेशन वाली तो उसको इसे दोबारा से फिल करना होगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा म्यूचुअल ट्रांसफर भरने का पूरा प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बातें याद में रखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो भी रूल रेगुलेशन है म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित वो सारे रूल रेगुलेशन
फुलफिल होने चाहिए, यानी कि वो सारी शर्तें आप कंप्लीट करने चाहिए दोनों पार्टनर, तब जाकर ये आपका म्यूचुअल ट्रांसफर एक्सेप्ट होगा। अब उस रूल के रिगार्डिंग मैं आपको सेपरेट से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी रूल है जो आपको याद में रखने चाहिए। पर बेसिकली जो बातें हैं वो है कि मान लीजिए डेजिग्नेशन समान होना चाहिए, कैटेगरी समान होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा इनिशियल डेजिग्नेशन में डिफरेंट मे बी डिफर हो सकता है, अदरवाइज आपको सेम डेजिग्नेशन, सेम पे स्केल, सेम कैटेगरी, इन चीजों का आपको पालन करना होगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी डिटेल आपकी एचआरएमएस में दिख रही है वो सारी डिटेल आपकी एकदम अपडेटेड होनी चाहिए, कोई भी डिटेल आपकी बैक डेटेड नहीं रहनी चाहिए कि उसकी वजह से आपका एचआरएमएस का म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जो भी डिटेल आपकी वहां पे दिख रही है वो सारी अपडेटेड होनी चाहिए, तो फॉर्म भरने से पहले आपको उसे ध्यान से देख लेना है कि आपकी और आपके पार्टनर की डिटेल दोनों एकदम सही है, कहीं पे भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई है। और तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आपने म्यूचुअल ट्रांसफर लगा दिया और वो प्रोसेस हो गया तो उसके बाद आप उसे बैक ट्रैक नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब भी आप म्यूचुअल लगाएं तो सोच समझ कर ही लगाएं, अदरवाइज आपका प्रमोशन भी हो गया तो भी आपका वो म्यूचुअल ट्रांसफर कैंसिल नहीं होगा और आपको म्यूचुअल ट्रांसफर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, जो म्यूचुअल ट्रांसफर है उसको सोच समझ कर ही लगाए, उसमें बैक ट्रैकिंग नहीं होती है। और फाइनली में जो बोनस टिप है उसे मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए इन केस में कोई एम्प्लॉई ऐसे ही आपकी एचआरएमएस आईडी डाल के और म्यूचुअल ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट कर देता है तो वो रिक्वेस्ट सीधे आएगी आपके पास, मैंने बताया था। तो आपको ध्यान से रखना है कि आप किसी भी ऐसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें कि कोई जिस पार्टनर के साथ आप म्यूचुअली नहीं लगा रहे हो और उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है तो उसे आपको एक्सेप्ट नहीं करना, उसे आपको रिजेक्ट कर देना है। जिसके साथ आप म्यूचुअल लगाना चाह रहे हो उसी की अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसे ही आप एक्सेप्ट करिएगा, अदरवाइज आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना है, रिजेक्ट कर देना है। मान लीजिए कई बार गलती से वो अगर आपने कर दिया, ठीक है, किसी अननोन पर्सन ने लगाया, आपके पास रिक्वेस्ट आई, आपने उसे एक्सेप्ट कर दिया, तो वो मान लीजिए प्रोसेस हो गया तो आपके लिए एक तरीके से दिक्कत हो सकती है। तो ये मेरी तरफ से एक बोनस टिप थी कि आपको जो भी प्रोसेस करनी है वो सोच समझ कर ही करनी है। आपको कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। गाइस वीडियो में थोड़ा देरी होता है क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे भी ऑफिस जाना होता है, तो टाइम के अभाव की वजह से मैं वीडियो थोड़ा देर से बनाता हूँ, पर जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो एकदम से जेन्युइन मिलेगा, ठीक है। मैं 100% तो श्योर नहीं कह सकता लेकिन 99% आपको कंटेंट एकदम जेन्युइन मिलेगा। आई होप गाइस अब आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर आसानी से लगा सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत आ रही है उनको आप ओवरकम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।